यहाँ पे आपको मेन वेबसाइट में आपको लेफ्ट साइड पे पीटीएम मॉड्यूल मिल जाएगा, आपको वहाँ पे जाना है। यहाँ पे जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड पीटीएम्स है, तो उनके वो लॉग्स दिख रहे हैं। अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको यहाँ पे स्केड्यूल पीटीएम में जाना है। आपको आपकी जो भी नेसेसरी डिटेल्स होगी वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि ब्रांच है, बोर्ड आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो, स्टैंडर्ड है, बैच भी आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो, स्केड्यूल डेट है, जैसे हम आज की डेट स्केड्यूल कर रहे हैं, और टाइम हमें कितने बजे की थी। तो अभी हमने सपोजिटली हमने शाम के 6 बजे की तो हमको 18:00 हमें सिलेक्ट करना है। मोड कौन सा था, तो उसमें ऑलरेडी आपने ऑप्शंस दिए गए, तो उसमें से भी आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ड्यूरेशन में आपको सिर्फ नंबर लिखना है कि कितने मिनट्स की थी, तो जैसे हमने 15 मिनट्स की हमने की होगी तो 15 लिख देंगे सिर्फ। रेकमेंडेड बाय, तो किसने रेकमेंड की थी, हमने सारे ऑप्शंस डाले हुए तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद पर्पस क्या था, कि कोई भी पर्पस हो सकता है कि फिर कि अकेडमिक रिपोर्ट्स उनकी देखनी है, या फिर आप कोई भी मतलब डाल सकते हो ऑप्शन इसके अंदर, कि इसके अलावा बाद में ओरिएंटेशन हुआ हो, या फिर रिवीजन हुआ हो, या फिर बच्चे की एकेडमिक रिपोर्ट्स के बारे में आपको पेरेंट्स से बताना हो, तो कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाद में आप गेट स्टूडेंट्स पे करोगे तो जो भी आपने फ़िल्टर सिलेक्ट किए उसके हिसाब से स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। आप यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ आपने अभी जैसे अभी 4 स्टूडेंट कहे, तो हमने यहाँ पे 4 करके स्केड्यूल हम कर देंगे। तो जैसे हमने पीटीएम स्केड्यूल किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा पीटीएम स्केड्यूल, और जैसे हमने आज शाम का किया था तो यहाँ पे ये लॉग भी क्रिएट हो गया। अभी हमने अटेंडेंस डाली नहीं इसलिए अनमार्क्ड लिखा आ रहा है। अभी यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको नीचे दिखेंगे कि एडिट यूज़र्स, एडिट अटेंडेंस और मार्क अटेंडेंस। अभी एडिट यूज़र्स किस लिए है, कि अगर आपने आपको किसी बाद में किसी को कोई स्टूडेंट को ऐड करना हो तो आप वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो सिलेक्ट करके। बाद में जैसे आप एडिट करोगे वो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएगा। बाद में आपको मार्क अटेंडेंस में जाना है, आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख जाएंगे कि प्रेजेंट है, एब्सेंट है, नॉट एप्लीकेबल है। सो आप जो भी आप चाहो आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे रिमार्क्स भी डाल सकते हो, आप कोई भी रिमार्क यहाँ पे वगैरह डाल सकते हो, आपको नहीं डालनी तो भी कोई इशू नहीं है। बाद में आप ओके कर दोगे, तो जैसे आप ओके कर दोगे तो वो मार्क हो जाएगी सक्सेसफुली। तो जैसे आपने अभी हमने ये वाली जो मार्क की थी, तो आप यहाँ पे जैसे आप व्यू अटेंडेंस में जाओगे तो अभी ऐसा होता है कि जैसे कि ये सिद्धार्थ करके स्टूडेंट है, हमने एबसेंट मार्क किया है उस टाइम पे, अभी हम उसको प्रेजेंट मार्क करना है, तो आप यहाँ पे नीचे से एडिट कर सकते हो। तो जैसे एडिट पे दबाओगे तो आपको पेंसिल आइकन दिख जाएगा, तो यहाँ पे आप एबसेंट से प्रेजेंट कर सकते हो। आप इवन रिमार्क भी आप ऐड कर सकते हो पीछे से, कि आपको कोई भी रिमार्क आपको यहाँ पे ऐड करना हो और सेव कर देना है। तो जैसे आप वो कर दोगे तो वो हमने जो अभी चेंजेस किए थे वो भी यहाँ पे सेव हो जाएंगे। और एडिट यूजर्स में भी आप अभी जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बार आपने अटेंडेंस मार्क कर दी तो उसके बाद आप एडिट यूजर्स नहीं कर पाओगे, उसके बाद आपको फिर से नई क्रिएट करनी होगी। तो आपको वो मेक श्योर करना है कि आप एक बार जब क्रिएट कर रहे हो तो अटेंडेंस डालने से पहले ही आप यूज़र सारे इसके अंदर डाल देते हो।